नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार को आईना दिखाने का। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने का काम किया है। दरअसल देखा जाए तो आपको पता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को लवकुश की जोड़ी के नाम से जाना जाता था। दोनों लवकुश की जोड़ी के नाम से जाने जाते थे और कहा जाता था कि इनका समीकरण ही बिहार में राजनीति में बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन क्या कुछ हुआ बीते दिनों आपने देखा, और जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा मुखर हो गए और उसके बाद वो अपने भाई नीतीश कुमार पर एक भी मौका बोलने का नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार को काफी कुछ सुना है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और क्या कुछ वो लिख रहे हैं हम आपको पढ़कर बताते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले लिखा है, आदरणीय भाई साहब, वाह क्या करिश्मा है। राजस्व विभाग के स्थानांतरण आदेश को रद्द कर वाहवाही लूट ली आपने। कोयला पर सफेदी डालकर पूरे ढेर को उजाले दिखाने की अद्भुत कला है आप में। आपको याद होगा कि बीते दिनों राजस्व विभाग में कई सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को नीतीश कुमार ने एक झटके में रद्द कर दिया था, जिसके बाद राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता को तगड़ा झटका लगा था। हालांकि इस पर नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि उन्हें कई जगहों से शिकायत मिल रही थी, जिस वजह से उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। उसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है और कहा है कि क्या करिश्मा आपने दिखाई है, आपने जो ये आदेश को रद्द किया है स्थानांतरण का, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा होगा आप कोयले पर सफेदी डालकर पूरे ढेर को उजला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपकी अद्भुत कला है। वहीं उन्होंने आगे लिखा है कि लेकिन आप मुगालते में मत रहिए, आपके हर ट्रिक से बिहार के लोग अवगत हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका जो ये ट्रिक है, आप इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहिए, आपके इस ट्रिक से बिहार के लोग अच्छे खासे अवगत हो चुके हैं कि आप किस तरह से बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आगे उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि सच तो यह है कि जहां एक ओर राजद के राजकुमार से उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों को पब्लिक डोमेन में जाकर एक्सप्लेन करने का आदेश जारी करने की क्षमता खो चुके हैं आप, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार से नो कॉम्प्रोमाइज की अपनी छवि को बचाने की घनघोर चिंता भी है। आखिर परसेप्शन जो बिगड़ रहा है, इसलिए गुड़ खाना है मगर गुलगुल्ले से परहेज भी दिखाना है। चलिए राजद से हुई डील का भी तो ख्याल रखना है। इस ट्वीट में उन्होंने आगे जो लिखा है उसमें तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा आरोप लगाया है, और जो राजकुमार बताया जा रहा है वो तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से आपने राजद के राजकुमार पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनको लेकर आप पब्लिक डोमेन में जाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आप कोई भी आदेश जारी करने की क्षमता को खो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आप अपनी भ्रष्टाचार से नो कॉम्प्रोमाइज वाली छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपको तो गुड़ भी खाना है मगर गुलगुल्ले से परहेज करना भी दिखाना है। वहीं उन्होंने राजद से हुई डील का भी जिक्र किया है। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जब नीतीश कुमार से अलग हो रहे थे तो उस टाइम वो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की राजद से डील हुई है, और उस डील का वो खुलासा कर भी रहे थे। इसी डील का उन्होंने एक बार फिर से जिक्र किया। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि लेकिन आपके ऊपर आपको मोतियाबिंद होने का आरोप तो लगेगा ही, क्योंकि आपके अगल बगल गेंदरा ओढ़कर घी पीने वाले गुरु घंटालू तक आपकी दृष्टि पहुंचती ही नहीं है। आखिर पहुंचे भी तो कैसे, टारगेट जो हार्ड है बैकफायर करने का भी तो खतरा है। आंखें बंद कर लीजिए सर, मगर कान खोल कर सुन लीजिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। राजकुमार गुरु घंटालू पर रहम, मेहता मंडल सॉफ्ट टारगेट पर सितम। सॉफ्ट टारगेट अर्थात बैकफायर का जीरो खतरा, पता नहीं ये मेहता मंडल लोग बैकफायर करना कब सीखेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार पर मोतियाबिंद होने का भी आरोप लगेगा, क्योंकि उनके आसपास जिस तरह से लोग गुरु घंटाल बने हुए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार उस पर एक नजर तक नहीं डाल रहे हैं। वहीं मेहता और मंडल को लेकर उन्होंने कहा है कि आखिर वो लोग कब बैकफायर करना सीखेंगे। यानी कि उन्होंने एक तरह से आलोक मेहता को उकसाने की भी कोशिश की है, क्योंकि उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया था नीतीश कुमार की तरफ से। तो ट्वीट के माध्यम से देखा जाए तो नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के तमाम वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।